वेलकम ऑन आर एस बी स्कॉलर्स अकेडमी। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन टी यू जी सी नेट जे आर एफ आई सी आर नेट स्लेट टी जी टी पी जी टी टेट होम साइंस 2020 देन यू कैन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड दिस चैनल इज रन अंडर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग स्टडी मटीरियल लाइक यू नीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड क्विक रिविजन नोट्स फॉर द नेट एन टी जे आर एफ 2020 देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आर मेल आई डी एस बी स्कॉलर्स अकेडमी एट द रेट जीमेल डॉट कॉम। सो टूडे वी विल टॉक अबाउट द टॉपिक मोटिवेशन एंड थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं एन टी में प्रीवियस ईयर्स अगर आप देखेंगे। सो आज हम इसी को पढ़ेंगे। यूनिट फिफ्थ रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर का बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट टॉपिक ही है ये। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द मोटिवेशन। लाइक क्या होता है मोटिवेशन? जैसे कि हम देख सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए जब हमें किसी एक फोर्स एक डिवाइन की ज़रूरत पड़ती है तो दैट लीड्स टू द मोटिवेशन। जब हम कोई ना कोई काम करते हैं तो दैट ओनली ड्राइवन बाय सम काइंड ऑफ मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल लाइक आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई माई नेट। सो मेरा वहाँ पे फोर्स क्या है कि मुझे एक अच्छी जॉब लेनी है। आई वॉन्ट टू बी अ प्रोफेसर। सो दैट एम दैट ऑब्जेक्टिव इज़ माई मोटिवेशन फॉर क्लियरिंग माई सब्जेक्ट द नेट। सो इट इज़ वन काइंड ऑफ फोर्स कि जो हमें हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, अच्छा बनाता है। मोटिवेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी तरह का एक डिज़ायर जो कि हमारे गोल को अचीव करने में किसी परफॉर्मेंस को जो भी हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं जो भी हम काम कर रहे हैं उस लेवल को एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की तरफ लीड करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको नेट क्वालिफाई का कि मेरा अल्टीमेट एम है कि मेरे को प्रोफेसर बनना है तो मुझे मेरा उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है दैट आई वांट टू क्लियर माय नेट। तो दैट अल्टीमेट गोल जो है मेरा वो कब इम्प्रूव होएगा? जब मैं नेट क्लियर कर लूँगी। सो वॉट इज़ मोटिवेशन? दैट इज़ वन काइंड ऑफ अ फोर्स, वन काइंड ऑफ अ डिवाइन दैट लीड्स टू यू यू गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। क्या हो सकती हैं कि हम जो रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं उसका हम बेस्ट यूज़ करते हैं, प्रोडक्टिव यूज़ करते हैं और उससे क्या हो सकता है? अगर हम बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्स करेंगे लाइक वी विल इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी एंड द आउटपुट। अल्टीमेट इट लीड्स टू द गोल अचीवमेंट एंड सो दैट्स लीड्स टू द गोल अचीवमेंट। तो जब गोल अचीवमेंट होएगा हमारी आउटपुट अच्छा मिलेगा एंड विद इन द लिमिटेड यूज़ ऑफ रिसोर्स दैट ऑब्वियसली लीड्स टू द फ्रेंडली रिलेशनशिप एंड द फैमिली रिलेशनशिप दैट ऑब्वियसली लीड्स टू आर वर्क फोर्स स्टेबिलिटी। सो ये इंपॉर्टेंस होता है मोटिवेशन का कि अल्टीमेट जो हमारा गोल है अचीवमेंट है दैट कैन बी टेकन टू अस एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क, फॉर एनी काइंड ऑफ गोल, फॉर एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो मोटिवेशन शुड बी इन यू। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। हमारे बहुत सारे ऐसे थ्योरिस्ट हुए जिन्होंने हमें मोटिवेशन की बहुत सारी ऐसी थ्योरी दी हैं। टू फैक्टर्स थ्योरी, आल्डर्फर्स थ्योरी, मैस्लोज हायरार्की थ्योरी जो कि बहुत हमारी फेमस हुई है। सो वेरियस थ्योरिस्ट को तीन उसमें बांटा गया है। इट इज़ कंटेंट थ्योरी, प्रोसेस थ्योरी एंड रेनफोर्समेंट थ्योरी। तो जो थ्योरिस्ट हुए मोटिवेशन थ्योरी को हमने तीन स्टेप में बांटा, कंटेंट, प्रोसेस एंड रेनफोर्समेंट। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द कंटेंट एंड लेटर ऑन इन अनदर वीडियोज़ वी विल कवर दिस प्रोसेस एंड द रेनफोर्समेंट थ्योरी। सो हम देखते हैं कंटेंट थ्योरी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन से थ्योरिस्ट ने ये थ्योरी दी है। सो लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट थ्योरीज। हमारे सेवन टाइप्स की कंटेंट थ्योरीज है लाइक मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, एल्डर्फर्स अचीवमेंट, एक्स एंड वाई दैट कॉम्बिनेशन और द ब्लेंड ऑफ दीज एक्स एंड वाई विल लीड्स टू द थ्योरी जेड, मैच्योरिटी इमेच्योरिटी इन विच दे टेल्स अबाउट कि इन्फेंट होता है तो वो कैसे रिएक्ट आउट करता है, एल्डर व्हेन इट कम्स टू द एडल्ट तो ही बिकम मैच्योर तो हाउ ही बिहेव्स टू हिज वर्क टूवर्ड्स हिज वर्क। नेक्स्ट इज हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आस्क मेनी टाइम इन NTA। अनदर वन इज मैस्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल अदरवाइज जो इनके नाम हैं वो तो आपको एकदम रट लेने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, वो पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। हायरार्की थ्योरी किसने दी, ERG मॉडल गिवन बाय विच थ्योरिस्ट और मोटिवेशन थ्योरी इज अचीवमेंट विच थ्योरिस्ट। तो यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ दीज थ्योरिस्ट कि किसने कौन सी थ्योरी दी है एंड इट शुड बी ऑन योर टिप्स सो दैट व्हेन इट कम्स टू द मैचिंग और वन टाइप टू टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यू कैन डू इट वेरी इजीली। सो लेट्स टॉक अबाउट द मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लोज ने हमें हायरार्की थ्योरी दी जिसमें उन्होंने हमें बताया फ्रॉम वेरी बेसिक टू आर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल। बेसिकली इन्होंने इसको फाइव स्टेप में बांटा है।
1, 2, 3, 4 and 5 जिसमें इन्होंने हमें बताया है कि हमारी बेसिक नीड से शुरू होती है। बेसिक नीड क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान। तो दैट इज़ फिजियोलॉजिकल नीड, कि हमारी बेसिक नीड क्या है, कि हमें खाने को मिल जाए, रहने के लिए घर हो, पहनने के लिए कपड़े हो। तो इसी तरह मैस्लोज ने फ्रॉम वेरी लोअर लेवल टू टॉप लेवल ही टोल्ड टू अस कि हमारी क्या क्या नीड्स होती हैं, कैसे कैसे वो पूरी होती है। तो अगर मैं बात करती हूँ जर्नल एग्जाम्पल जो कि हम डेली टू डेली लाइफ में, और इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इन द टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो फिजियोलॉजिकल नीड मैस्लोज ने जर्नल एग्जाम्पल में सस्टेन के लिए, सस्टेनेंस मतलब लिविंग, जिंदा रहने के लिए बेसिक नीड जो होती हैं, दैट इज़ एट द फिजियोलॉजिकल नीड एट द वेरी लोअर लेवल। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है हमारी बेस सैलरी क्या है, कि हम किस बेस सैलरी, किस पे स्केल पे हम काम कर रहे हैं। सो इन दिस वे ही टोल्ड टू अस व्हाट इज़ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब लाइक वी आर लिविंग इन दिस सोशल वर्ल्ड, इन दिस सोशलाइजेशन। तो सो उस स्टेबिलिटी के लिए वी नीड द सिक्योरिटी। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, इट लीड्स द पेंशन प्लान, कि मैं ये जॉब तो कर रहा हूँ लेकिन व्हाट इज़ माय सिक्योरिटी आफ्टर माय रिटायरमेंट, दैट व्हाट इज़ माय पेंशन प्लान। सो इन दिस वे एट एवरी नीड, एट एवरी लेवल, स्टेप बाय स्टेप टू द टॉप लेवल, मैस्लोज टॉक अबाउट द नीड्स, द बेसिक नीड्स लाइक आफ्टर सिक्योरिटी व्हाट इज़ माय अनदर नीड दैट शुड बी फुलफिल व्हेन आई कम टू माय बिलो द लेवल, इट इज़ फिजियोलॉजिकल नीड। जब वो मेरी पूरी हो जाती है देन आई कम्स टू द सिक्योरिटी नीड्स, की आई नीड सम सिक्योरिटी इन माय सोशल लाइफ। तो दैट इज़ व्हाट इज़ पेंशन प्लान, व्हाट इज़ माय स्टेबिलिटी। जब मेरा सिक्योरिटी ये सब मेरा हो जाता है तो नेक्स्ट आई नीड द बिलोंगिंगनेस। व्हाट इज़ बिलोंगिंगनेस, कि मेरा सोशल सर्कल कैसा है, मेरा फ्रेंड सर्कल कैसा है। एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज़ माय फ्रेंड्स इन द वर्क ग्रुप, सेम इट लीड्स टू द एस्टीम, द जॉब टाइटल। सो नेक्स्ट इज एस्टीम नीड्स। मेरे को सिक्योरिटी मिल गई, आई गेट द फिजियोलॉजिकल, आई नीड माई सोशल सर्कल, आई नीड माई द फ्रेंडशिप। तो वॉट नेक्स्ट, वॉट आई वॉन्ट इन दैट इज एस्टीम। वॉट इज़ माई सोशल स्टेटस, वॉट इज़ माई स्टेटस, दैट इज़ वॉट इज़ माई जॉब टाइटल एंड द स्टेटस इन द सोसाइटी, दैट इज़ माई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आफ्टर स्टीम, वेन माई सेल्फ गेट सेटिस्फाइड, देन आई कम्स टू द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दैट इज़ ऑल अबव ऑफ दीज नीड्स, कि दैट इज अचीवमेंट एंड द चैलेंजिंग जॉब, कि वॉट आई गॉट इन माई लाइफ दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इज इट सेटिस्फाइड मी और gives a dissatisfaction, so it's all upon me that told by the Maslow. So it is कई बार exams में इस पर question देखा गया है कि आप इसको arrange करिए, सबसे पहले कौन सी need आती है, तो it is physiological। आप सबसे देखो, it is very easiest way to learn out, कि जो मेरी basic need होगी सबसे पहले वही मैं उसको पूरी करूँगी, तभी तो मैं social status देखूँगी। social status मेरा तब तक नहीं बनेगा जब तक मेरी अपनी खुद की basic need पूरी नहीं होंगी। तो आपको बिल्कुल भी इसमें रटना नहीं है, बिल्कुल भी ग्रैमिंग नहीं करनी है। इट जस्ट ऑल अबाउट कि आप समझो कि सबसे पहले बेसिक नीड के बाद सिक्योरिटी आती है, एक सोशल सर्कल बनता है, फिर मेरे खुद का सेल्फ उस सोशल स्टेटस में, देन आफ्टर ऑल अबव इट इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इट इज़ ऑल अबाउट द मैस्लोज नीड एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द एल्डर्फर्स ERG मॉडल। ERG जैसे हम डेफिनेशन हम देख सकते हैं, इट इज़ एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। एल्डर्फर्स ने हमारे तीन मॉडल पे काम किया, कि एग्जिस्टेंस, वही जैसे मैस्लोज ने हमें बताया कि हमें सस्टेन के लिए क्या ज़रूरी है, तो ऐसे ही एल्डर्फर्स ने बोला जिसमें एग्जिस्टेंस के लिए जो हमारा फिजियोलॉजिकल डिज़ायर पूरा करता हो, खाना, पानी, एयर, क्लोथिंग, सेफ्टी, दीज ऑल थिंग जो हमें एग्जिस्टेंस के लिए, सस्टेनिंग के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट इज रिलेटेडनेस। रिलेटेडनेस इट वॉज, इट इज़ अ ERG मॉडल, तो ई फॉर एग्जिस्टेंस, आर फॉर रिलेटेडनेस एंड जी फॉर द ग्रोथ। तो आर इज़ कि जो हमारी, वेन माई एग्जिस्टेंस नीड विल कम्प्लीट देन आई कम्स टू माई रिलेटेडनेस नीड, जट दैट रिलेट्स टू माई एग्जिस्टेंस, एंड वॉट रिलेट्स टू माई एग्जिस्टेंस इज माई सोशल नीड, इज माई एक्सटर्नल, सो दैट इज़ फैमिली, फ्रेंड्स एंड द कोवर्कर्स, एम्प्लॉयर्स। सो इट इज़ ऑल द रिलेटेड नीड्स दैट टू बी रिकोगनाइज एंड फील सिक्योर एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप और द फैमिली। तो रिलेटेडनेस वी कैन से जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए हमारे ज़रूरी है, एंड दैट शुड बी रिलेटेड, दैट शुड बी लाइक वी शुड फील कि वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वी आर द पार्ट ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ नीड। वॉट इज ग्रोथ नीड? ग्रोथ नीड इज कैन बी दैट इज माई इंटरनल एस्टीम। दैट हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये मॉडल है, इट इज़ समवेयर रिलेटेड टू आर मैस्लोज नीड, जैसे उन्होंने
बेसिक नीड से हमें सेल्फ एक्चुलाइजेशन की तरफ ले गए। इसी तरह एल्डर फर्स्ट ने भी हमारे तीन मॉडल में हमें ये कहानी बता दी है, नीड में, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड द ग्रोथ। सो जो ग्रोथ है वो क्या हो सकती है, मेरा इंटरनल एस्टीम, मेरा सेल्फ एक्चुलाइजेशन दैट गिव्स माय वन आइडल सेल्फ, मेरे को सेटिस्फैक्शन, मेरे को डिससेटिस्फैक्शन। तो दैट इज़ ऑल एल्डर फर्स्ट ERG मॉडल। नेक्स्ट इज अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी क्या हो सकती है, जिसमें कि हम तीन चीज़ की तरफ काम करते हैं कि नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर। किसी चीज़ को अचीवमेंट के लिए आई नीड दीज थ्री थिंग्स। पावर नीड क्या हो सकती है, ये हमें किसने दी, मैकलिन, किसने दी। सो पावर नीड इज जो मुझे डोमिनेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है और कंट्रोल टू अदर्स, लाइक दैट आई कैन मैनिपुलेट, आई कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज दैट सूट टू माई ओन पर्पस बेसिकली। सो दैट इज वॉट इज पावर नीड, की आई हैव दैट डोमिनेंस, आई हैव दैट डोमिनेंस कि मेरे को अपने काम के लिए आई कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज। तो जो डोमिनेंस की पावर है दैट लीड्स टू द एफिलेशन, राइट। नेक्स्ट इज लाइक पावर। पावर किसे कहते हैं, कि मेरे पास वो कंट्रोल है, मेरे पास वो एबिलिटी है डोमिनेट करने के लिए, सो दैट आई कैन डोमिनेट अदर्स फॉर माई ओन पर्पज, फॉर द अदर्स एक्टिविटी, फॉर द सोशल बेनिफिट। नेक्स्ट एफिलिएशन नीड। एफिलिएशन नीड कहती है कि नीड फॉर द सोशल, नीड फॉर द कंपेनियनशिप, सपोर्ट के लिए, लाइक एफिलिएशन वी कैन रिकोगनाइज द मीनिंग फ्रॉम द वर्ड एफिलिएशन, जो किसी चीज़ से एफिलिएट करता हो, किसी चीज़ को बिलोंग करता हो, बिलोंग मतलब किसी चीज़ से कंपेनियनशिप हो, सपोर्ट हो, या देर इज सम काइंड ऑफ मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद द पीपल। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द अचीवमेंट नीड। जब मेरे पास पावर होगी, आई कैन एबिलिटी टू कंट्रोल, टू डोमिनेट, देन द एफिलिएशन नीड, एंड आफ्टर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द नीड फॉर चैलेंज। वट इज नीड फॉर चैलेंज, कि फॉर माई लाइक वी आर लिविंग इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, इन दिस कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, तो वी कैन सी फॉर द पर्सनल एकम्प्लिशमेंट और सक्सेस के लिए आई कैन चैलेंज, आई कैन अचीव दैट नीड। सो दैट इज़ वॉट की आई कैन चैलेंज टू माई सेल्फ, येस आई हैव टू अचीव दैट थिंग, लाइक आई वॉन्ट टू क्लियर माई नेट, सो आई हैव दैट करेज कि आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस, आई वॉन्ट टू क्लियर दिस। सो दैट इज़ वॉट इज अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, दैट इज कम्प्लीट इन ऑल दीज थ्री, लाइक अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड द पावर। सो दैट इज गिवन बाय मैकलिन, राइट। नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारी थ्योरी एक्स एंड वाई। थ्योरी एक्स एंड वाई हमें किसने दी, डॉगलस मैकग्रॉजर ने, जिसमें वो एक हमारे अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट हुए। अब आप इसमें देख सकते हैं दैट इज थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई में डॉगलस ने हमें क्या बोला है, कि यू कैन सी द थ्योरी एक्स इज बाय रेड, वेयर एज थ्योरी वाई इज ग्रीन। एज जो इन्होंने रेड दिया है, इसमें इन्होंने हमें पांच चीज़ें बताई हैं, एटीट्यूड, डायरेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोटिवेशन एंड द क्रिएटिविटी। सो थ्योरी एक्स इज़ ऑल अबाउट कि जब हमें काम के लिए फोर्स किया जाता है, हम अपने काम को नहीं पसंद करते हैं, हमें उसको मतलब फोर्सफुली वी हैव टू डू इट, लाइक I don't have any interest to work for that, but I have to do this work. मेरे को नेट नहीं क्लियर करना है, but my parents is saying to me to clear the net. तो उसके लिए that comes under the theory X. But my motivation is I have to complete my aim. I want to be a professor, so I can go for the theory Y. तो इसमें क्या होता है, there is a basic difference theory X और theory Y में, कि जो theory X होता है, we can see the dislike work, और यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें काम चाहिए, हमें काम करना है। इन द सेम वे डायरेक्शन क्या होती है, इसमें आपको बताया जाता है कि यू हैव टू गो टू दिस डायरेक्शन, उसमें भी आपका विल होता है, यू हैव टू गो और नॉट, लाइक इट इज़ अ समवेयर अ रिबेलियस एटीट्यूड, कि नो, बट इट इज़ फेवरेबल एटीट्यूड। तो इसमें आपको दो तरह का एटीट्यूड, डायरेक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती हूँ, तो थ्योरी एक्स में क्या होता है, द वन नॉट फील्स कि इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट कि ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे को काम दिया एंड आई हैव टू डू इट, वेयर एज इन थ्योरी वाई इट इज़ ऑल दैट कि आई हैव टू सीक एंड एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, येस इट इज़ माई वर्क एंड आई हैव टू कम्प्लीट इट ऑन द टाइम। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपको मोटिवेट किया जाता है थ्योरी एक्स में, आपको पैसा दिया जाएगा, आपको बोनस दिया जाएगा, प्लीज़ डू दिस वर्क। तो ऑर्गेनाइजेशन आपको टाइम टू टाइम पे कुछ ऐसा इंसेंटिव, कुछ ऐसा बोनस, आई एम नॉट सेइंग इंसेंटिव बोनस इज कम अंडर द थ्योरी एक्स, बट फॉर दैट वर्क टू बी फास्ट, उसके लिए आपको कुछ किसी तरह का बेसिकली मनी के टर्म्स में, मैं कह सकती हूँ मॉनेटरी टर्म्स में या जॉब सिक्योरिटी में, हम आपको परमानेंट कर लेंगे, बट यू हैव टू डू दिस वर्क। सो दैट इज़ वॉट इज़, कि आपको किसी तरह का एक मोटिवेशन दिया जा रहा है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज थ्योरी एक्स। बट इन केस ऑफ थ्योरी वाई, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आपकी खुद की ओन पोटेंशियल, कि नहीं, इट इज़ माय वर्क, आई हैव टू डू इट, एज
इन द सेम एग्जाम्पल इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेट कि भाई आपको मम्मी ने बोला है तो आपको नेट क्लियर करना है तो आप चले गए, आपको भिजवाया गया, इट्स ऑल अबाउट कि आप पढ़े नहीं, ठीक है। वहीं थ्योरी वाई में आपका खुद का एम है कि मेरे को नेट क्लियर करना है, तो आपकी खुद की ओन सेल्फ बोलेगा कि पढ़ो, एटलीस्ट पढ़ो। तो दैट इज़ वॉट इज़ थ्योरी वाई, कि आपको थ्योरी वाई में खुद का सेल्फ आपको कहता है एंड खुद आप मोटिवेट होते हो खुद से, आपको किसी इंसेंटिव, किसी बोनस, किसी सिक्योरिटी की नीड नहीं होती है, किसी डायरेक्शन, किसी दैट एटीट्यूड की नीड नहीं होती है, यू हैव दैट पॉजिटिव एटीट्यूड। इन द सेम वे क्रिएटिविटी, यू विल नॉट शो द क्रिएटिविटी इन द थ्योरी एक्स, वेयर एज इन थ्योरी वाई यू विल शो योर हाईली क्रिएटिव, कि आप कितने क्रिएटिव हो सकते हो, आप कितना अपना बेस्ट दे सकते हो। सो दैट इज ऑल थ्योरी एक्स इन थ्योरी वाई। नेक्स्ट इज थ्योरी जेड। तो अभी हमने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को पढ़ा, उसमें हमने देखा कि थ्योरी एक्स जैसे कि रेड से उसको हाईलाइट किया गया है, सो इट इज़ ऑल कि आप उसमें रिबेलियस एटीट्यूड रख रहे हो, यू डोंट हैव एनी इंटरेस्ट टू डू दैट वर्क, वेयर इज इन थ्योरी वाई दैट शोज़ कि आपका खुद का पोटेंशियल है, आपका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट बोलता है करेज, सो दैट यू विल शो द क्रिएटिविटी, द एटीट्यूड, एंड यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ अदर पर्सन टू बी डायरेक्टेड टू यू। सो द थ्योरी जेड इज़ डिस्क्राइब्ड बाय द विलियम ऑर्च दैट करेक्टराइज्ड, जिसमें ये दोनों का ब्लेंडर होता है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, जिसमें कि वो हमें कहते हैं जैसे कि थ्योरी एक्स में मैंने देखा कि आई हैव कम्प्लीटली द रिबेलियस एटीट्यूड, जैसे कि एक्स इज लाइक रॉन्ग, कि इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। थ्योरी वाई इज फॉर यस, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि थ्योरी एक्स इज दैट दिस एटीट्यूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, बट येस थ्योरी वाई एज वाई इज़ फॉर यस, येस इट विल this behavior will be accepted in the society. So theory Z भी हमसे इन दोनों का blend कहता है कि हमें long term security देती है, decision making, slow evaluation, promotion procedures, individual responsibility, तो basically theory Z जो है इन दोनों का ही combination है, इसमें आपको security, promotions, all these things well given to you and it is described by the William Orge. Next is maturity and immaturity theory. What is maturity and immaturity? Mature कब होता है? When the इन्फेंट बिकम अडल्ट। इमेच्योर एक बच्चा जो होता है दैट इज़ इमेच्योर, उसको नहीं पता व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग जब तक कि उसके पेरेंट उसको गाइड ना करें, तो राइट। तो मेच्योरिटी इमेच्योरिटी थ्योरी में यही हमने देखा है कि दैट फर्स्टली वो पैसिव स्टेज पे जाता है इन्फेंट से अडल्ट पे, धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। सेकेंडली हम देख सकते हैं उसकी स्टेट ऑफ डिपेंडेंसी होती है इन्फेंट में, अगर वो इमेच्योर होता है, राइट, एंड एज ही बिकम अडल्ट ही इज़ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट इज कि हम देख सकते हैं कि इन्फेंट जैसे जैसे अडल्ट में आते हैं तो ही बिहेव इन अदर और लाइक जैसे वो इन्फेंसी वाली एज में था तब जैसे बिहेव करता था, बट नाउ व्हेन ही कम्स इन द एज ऑफ अडल्ट ही बिहेव समथिंग अदर्स, वो थोड़ा मैच्योर हो गया है, उसको पता है कि इफ़ आई एम डूइंग दिस वर्क तो इट विल नॉट एक्सेप्ट इन द सोसाइटी, आई विल गेट द फेलियर, वेयर इज इफ़ आई डू दिस वर्क दैट इज़ एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, दैट इज़ एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी विल गिव रिकॉग्निशन एंड acceptance in the society. So इस तरह का behavior उसमें देखा जाता है, strong interest, deeper, in the same way उसको decision लेना आ जाता है, involve होता है वो, है ना, subordinate to everyone, individual as infant, कि उसको सबका सुनना पड़ता है, whereas when he become adult तो he will equals or superior position with the others. एज अ चिल्ड्रन एज अ इन्फेंट मैं उससे बात करती हूँ तो उसको लैक ऑफ अवेयरनेस रहती है, वेयर एज अडल्ट की मैं बात करती हूँ तो वो औरों को भी गाइड कर सकता है और उसका खुद पे भी कंट्रोल होता है। तो बेसिकली इन मैच्योर और इमेच्योरिटी थ्योरी में आप नेम से ध्यान रख सकते हैं कि मैच्योरिटी फॉर द अडल्ट, इमेच्योरिटी फॉर द इन्फेंट, तो इन्फेंट कैसे बिहेव करते हैं, मैच्योर कैसे इन्फेंट करते हैं, देन यू कैन एबल टू डू दिस थ्योरी। नेक्स्ट इज हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी एंड इट इज़ अ लास्ट थ्योरी इन द कंटेंट थ्योरीज। सो हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी जो थी वो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग इनका कंप्लीट नेम है जिन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी, इसको हम मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी और इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन भी कहते हैं। इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन क्या होता है, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट की, कुछ हमें इंटरनल कुछ अपना इंटरनल मोटिवेशन होता है कि यस आई हैव टू डू दिस माई वर्क, माई रिकॉग्निशन, माई सैलरी, माई पे स्केल, और एक्सट्रेंसिक होता है कि नो आई नीड द बोनस, आई नीड द सिक्योरिटी, सो दैट इज़ एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन। तो हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी में यही होता है, इसको हम ड्यूअल फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, इसको हम टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, इसको हम मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी कहते हैं। तो समटाइम द क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर पेपर, इफ़ यू वांट द प्रीवियस ईयर पेपर यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आर मेल आईडी sbscholarsacademy@gmail.com, उसमें हम आपको मोर देन 10 ईयर्स
के प्रीवियस ईयर प्रोवाइड कराएंगे, तो आप प्रीवियस ईयर करें एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल टू डू द प्रीवियस ईयर पेपर। इससे क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस करने चाहिए और किस तरह का पैटर्न जो है वो एनटीए पूछता है। और कई बार होता है कि मोर और लेस आपका प्रीवियस ईयर्स में से बहुत सारा क्वेश्चंस आ जाते हैं, दैट इज़ नॉट विद द सेम लैंग्वेज, बट येस इफ़ यू डिड वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेम प्रीवियस ईयर यू कैन एबल टू डू, इफ़ यू हैव दैट क्लियर कॉन्सेप्ट यू कैन वेल एबल टू डू इन द एग्जाम। सो वॉट हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी सेट टू अस कि हमारे पास इसमें दो फैक्टर होते हैं, वन इज़ मोटिवेशन और जिसको हम कहते हैं मोटिवेटर्स और ग्रोथ, और एक तो होता है हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर। तो बेसिकली इसमें हम देख सकते हैं ये हमें दो एरो दिखा रहा है, ठीक है, एक दिखा रहा है ऊपर की साइड, एक दिखा रहा है हमें नीचे की साइड। तो ये हमें क्या दिखा रहे हैं, दैट इज़ मोटिवेटर्स, कि जो हमें मोटिवेट करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं हमें काम करने के लिए, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें डिक्रीज़ करते हैं, हमें हमारे मोटिवेशन को कम करते हैं। सो उनको हम हाइजीन फैक्टर कहते हैं। तो वो हाइजीन फैक्टर कौन से हो सकते हैं, हमारी पे स्केल, हमारा जॉब सिक्योरिटी, मेरी वर्किंग कंडीशन कैसा है, कंपनी मैनेजमेंट, इन द सेम वे। तो उसको हम डिससेटिस्फैक्टर भी कहते हैं। सेटिस्फैक्टर हो गए हमारे मोटिवेटर्स, और सो ये हमारे सेटिस्फैक्टर होते हैं जो हमारे मोटिवेटर्स होते हैं, हमारे ग्रोथ फैक्टर होते हैं, और जो हमारे हाइजीन फैक्टर होते हैं इनको हम डिससेटिस्फैक्टर कहते हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें क्वेश्चन आता है कि मोटिवेशन फैक्टर कौन से होते हैं, हाइजीन फैक्टर कौन से होते हैं या कौन से नहीं होते, मैं आपको आगे स्लाइड में करवाऊँगी वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो जो मोटिवेटर्स कौन से हो सकते हैं, जो हमें सेटिस्फाई करते हैं, हमें सेटिस्फाई क्या करता है, मुझे रिकॉग्निशन मिलेगा तो आई गिव वो वर्क को मैं उतने ही पोटेंशियल से, उससे ज़्यादा पोटेंशियल से करूँगी, ठीक है। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा नेचर ऑफ वर्क जो मुझे दिया गया है। नेक्स्ट इज़ पर्सनल ग्रोथ और अचीवमेंट, मेरी खुद की ग्रोथ क्या है, कंपनी की तो ग्रोथ मैं दे रही हूँ, येस ऑब्वियस दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इफ़ मेरी खुद की भी ग्रोथ हो रही है तो दैट इज़ सेटिस्फाई, जो कि मुझे सेटिस्फाई कर रहा है। डिससेटिस्फाइज कि मेरा पे अच्छा नहीं है, मुझे जॉब नहीं पसंद आ रहा है, उसमें मेरी कोई सिक्योरिटी नहीं है, वर्किंग कंडीशन, चेयर अच्छी नहीं है, टेबल उस साइड की नहीं मेरे को मिल रही है, सो दैट इज़ डिससेटिस्फैक्शन। तो हाइजीन फैक्टर को हम डिससेटिस्फैक्शन कहते हैं सेट, और मोटिवेटर्स ग्रोथ फैक्टर को हम सेटिस्फायर कहते हैं। तो यू डोंट हैव टू बी कन्फ्यूज, हर्ज़बर्ग ने हमें ये थ्योरी दी है टू फैक्टर थ्योरी। सो इट्स ऑल अबाउट द थ्योरीज ऑफ द कंटेंट थ्योरी बेसिकली मोटिवेशन के अंदर। बाकी की जो दो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, कंटेंट जो हमारी रेनफोर्समेंट बची है उसको, और नेक्स्ट थ्योरी जो बची है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, बट इट इज़ ऑल अबाउट द कंटेंट थ्योरी जो हमने आज 7 टाइप के डिस्कस की हैं, ठीक है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, देन वी कम्स टू द क्वेश्चंस कि हमारी कौन कौन सी थ्योरीज हैं। जैसे हमने बात करी कि थ्योरीज हमारी तीन तरह की, कंटेंट, प्रोसेस, रेनफोर्समेंट, जिसमें कि आज हमने कंटेंट कर लिया है, प्रोसेस और रेनफोर्समेंट हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। कंटेंट में हमने 7 तरह की कंटेंट थ्योरीज पढ़ी हैं, मैस्लो जिसमें हमने बेसिक 5 टाइप का पढ़ा, एल्डरफोर्स, ERG, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड द ग्रोथ नीड जो होती है, अचीवमेंट, मोटिवेशन जो मेरे को अचीव करता है, एफिलेशन, माय पावर, सो दैट इज़ ऑल अबाउट अचीवमेंट, मोटिवेशन। एक्स और वाई में मैंने देखा कि एक्स विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, द रेबेलियस नेचर, द इन एक्सेप्टेबल बिहेवियर, थ्योरी वाई, येस इट इज़ एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, सो यू कैन रिमेंबर बाय द एक्स एंड वाई। जेड इज़ ऑल ब्लेंड ऑफ द थ्योरी एक्स एंड वाई। मेच्योरिटी, मेच्योरिटी यू कैन रिमेंबर द मेच्योरिटी फॉर द अडल्ट, मेच्योरिटी फॉर द इन्फेंट्स। हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी, येस यू कैन रिमेंबर बाय द मोटिवेशन एंड द हाइजीन। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन दैट आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड कैन बी आस्क्ड इन द NTA। सो ये क्वेश्चन हमसे देखो, पढ़ो ध्यान से क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू हर्ज़बर्ग, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी जो कि मैंने अभी लास्ट स्लाइड में ही डिस्कस की है, विच इज़ फॉलोइंग इज़ नॉट अ हाइजीन फैक्टर। अब देखो इसने सीधा क्वेश्चन नहीं दिया, हमें थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिया है। वो मुझसे कह रहा है कि हर्ज़बर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा हाइजीन फैक्टर नहीं है। अब उसने हमसे पूछा नहीं कि विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग अ हाइजीन फैक्टर, बट उसने हमें क्वेश्चन घुमा के दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाइजीन फैक्टर, राइट। तो इसमें आपको ध्यान रखना है नहीं, नहीं यानी कि हाइजीन फैक्टर नहीं है। तो अब हमें इसमें क्या बताना है, मेरे कौन से मोटिवेटर फैक्टर हैं। तो आप पहले छाट लो कौन से मोटिवेटर फैक्टर हैं, वर्किंग कंडीशन, सैलरी, रिलेशनशिप विद द सुपरवाइजर, वर्क इटसेल्फ। अब आप इसमें देखो कौन से मेरे मोटिवेटर फैक्टर हैं, क्योंकि उसने मुझसे पूछा है हाइजीन फैक्टर नहीं है, ठीक है। आप मुझे बताओ कौन से हाइजीन फैक्टर नहीं है, उसके लिए हम प्रीवियस स्लाइड देख सकते हैं। देखो अभी जो है हमारे सारे हाइजीन फैक्टर हैं। अब देखो इसमें वर्किंग कंडीशन आ रहा है,
ठीक है, तो वर्किंग कंडीशन मेरा हाइजीन फैक्टर हो गया, ठीक है। सैलरी पे, पे देखो ये आ रहा, ये पे आ गया, ये मेरा हाइजीन फैक्टर हो गया, ठीक है। उसने मुझसे नॉट पूछा है, अगर हाइजीन फैक्टर होता तो मैं ये कह सकती ए बी सी इज़ माई हाइजीन फैक्टर, और डी पता नहीं मुझे डी है कि नहीं है, चलो देखते हैं। रिलेशनशिप विद सुपरवाइज़र, ये भी मेरा हाइजीन फैक्टर है, क्योंकि सुपरविजन मतलब कि मेरे को सुपरवाइज़र कैसा मिला है, क्या है मेरा उससे रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट इज़ वर्क इटसेल्फ, वर्क इटसेल्फ कम्स अंडर द मोटिवेटर, तो ये मेरा क्या है यहाँ पे, मोटिवेटर है, तो इट इज़ नॉट अ हाइजीन फैक्टर। तो आपको क्वेश्चन देख के समझना है कि वो मुझसे क्या पूछ रहा है, नॉट लगाया है कि नहीं लगाया। अब नॉट लगाया तो इसका मतलब क्या है, तो उसको हम देखते हैं। जैसे नॉट हाइजीन फैक्टर, तो मैंने यहाँ से आपसे सर्च करवाया कि कौन सा मोटिवेशन फैक्टर है, तो जब आपने मोटिवेशन फैक्टर छाट लिया, यानी कि वही आपको उसमें टिक लगाना है, ये सारे हमारे हाइजीन फैक्टर हो गए। अब हमने मोटिवेशन फैक्टर छाटा, दैट इज़ ये हमारा हाइजीन फैक्टर नहीं है, वी टेक इट। सो द करेक्ट आंसर इज वर्क इटसेल्फ, राइट। ओ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन दैट इज़ आस्क्ड मेनी टाइम इन इन वेरियस और डिफरेंट फॉर्म्स, लाइक मैच द पर्सन्स लिस्ट वन विथ थ्योरीज प्रपोज। ये वीडियो शुरू होने से पहले मैंने आपको डिस्कस किया था कि थ्योरिस्ट के पूछे जाते हैं, कितनी बार नाम पूछे जाते हैं, किसने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया वो पूछा जाता है। तो इन द सेम वे ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में। सो लेट्स सी व्रूम, हर्ज़बर्ग, लॉक, मैस्लो, एल्डर्फोर्स। तो उसमें से हमने बहुत सारी आज की वीडियो में ही हमने कवर किया है। तो हर्ज़बर्ग ने, हम देख सकते हैं व्रूम, चलो आज जो पढ़ी हम पहले उनके बारे में डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट तो आप खुद ही निकाल लेंगे आंसर फिर। सो हर्ज़बर्ग आज हमने की, मैस्लो आज हमने की, अब हम देख सकते हैं हर्ज़बर्ग, हर्ज़बर्ग ने कौन सी दी, टू फैक्टर थ्योरी, ठीक है। अब हम देख सकते हैं बी का फिफ्थ, बी का फिफ्थ है कहीं, ओ यस इट इज़ थ्री और फोर्थ। आपको मैचिंग इसी तरह से करनी है, सीधा ट्रिक कि हम किस ट्रिक से करते हैं। बी का फिफ्थ इज़ टू फैक्टर थ्योरी, तो टू फैक्टर थ्योरी इज बी का फिफ्थ। हम देखा, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, तो फर्स्ट टू तो हमने पहले ही रिजेक्ट कर दिया, इसमें तो हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, टाइम वेस्ट करना नहीं है, क्योंकि टाइम लिमिटेशन भी होती है। नेक्स्ट इज़ मैस्लो, मैस्लो की हमने बात करी, हायरार्की नीड, अब हायरार्की नीड इज सिक्स्थ, ठीक है। तो सिक्स्थ इज दिस, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है इसमें ऑप्शंस हमारे, बट डी का सिक्स्थ, ये देखो थोड़ा हॉशपॉश हो गया है, सो वी कैन सी हेयर, नो प्रॉब्लम। सो बी का फिफ्थ इज टू फैक्टर थ्योरी, डी का सिक्स्थ इज ये वाला। तो अब हम देख सकते हैं डी का सिक्स्थ हमारा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में किस में आ रहा है, डी का सिक्स्थ। इफ़ इट इज़ श्योर देन डू दिस ट्रिक। अब मेरे को तो दो श्योर हैं भाई, हर्ज़बर्ग ने टू फैक्टर दिए, मैस्लो ने हायरार्की दी है, ठीक है। तो मैं तो थर्ड को टिक लगाऊंगी देखते ही, फोर्थ भी मैं छोड़ दूंगी क्योंकि मुझे पता है मैस्लो ने हायरार्की दी है, तो इट इज़ सिक्स्थ आंसर। अब नेक्स्ट में देख सकते हो एल्डर्फोर्स भी पढ़ी, एल्डर्फोर्स हमने पढ़ी एग्जिस्टेंस रिलेटेड ग्रोथ थ्योरी। अब एल्डर्फोर्स ने ई का टू दिया है, अब ई का टू देखो हमारे पास इन दोनों में आ गया, थर्ड और फोर्थ में आया, तो ये तो हमारे पहले ही कैंसिल हो गए फर्स्ट सेकेंड, तो अब टू भी आ गया, हमें तीन ऑप्शन मिले थर्ड वाले में, फिफ्थ सिक्स और टू, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग तो मेरा थर्ड ही आंसर सही हुआ ना, तो फोर्थ को भी मैं छोड़ दूंगी। अब मैं देखती हूँ बाकी के दो बचे हुए कि व्रूम ने और लॉक ने कौन सी दी है, तो थर्ड ऑप्शन इज़ राइट। अब ए ने फोर्थ दी है, व्रूम्स ने क्या दी है मेरे को, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, और लॉक्स ने क्या दिया है, बचे हुआ नेक्स्ट थ्योरी इज गिवन बाय द गूस थ्योरी। सो इट इज़ ऑल द वे यू हैव टू ट्रिक, लाइक आपको ट्रिक अजमानी पड़ती है, ये आपको देखना पड़ता है कि कैसे मेरे को क्वेश्चन करना है। तो मैचिंग आप इसी तरह से करेंगे तो आपकी गलत नहीं होगी, तो द ऑप्शन राइट इज थर्ड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन दिस वीडियो, इन दिस टॉपिक, यू कैन मेल ऑन माई मेल आई डी sbscollegeacademy@gmail.com, और यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियो। फर्दर इफ़ यू नीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और स्टडी मटेरियल लाइक क्विक रिविजन नोट्स और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम आपको हर टॉपिक के प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड कराएंगे, सो यू कैन डायरेक्टली मेल अस ऑन आर माई मेल आई डी sbscollegeacademy@gmail.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे सेफ, स्टे होम।